गुड मॉर्निंग बेटा। वो वीडियो बना रहे थे बेटे, बीच में किसी बच्चे की कॉल आ गई, वो वीडियो डिसकनेक्ट हो गई। दोबारा से हम देख रहे हैं क्या पढ़ रहे थे हम लोग कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक कनेक्शन है मोस्टली घरों में, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पर। उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ड्यूवल्स इन द फील्ड्स एंड इज यूज इन द वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। इलेक्ट्रिसिटी जो है वहाँ पर उसे ट्यूबवेल चलाए जाते हैं सभी खेतों में पानी देने के लिए, इरीगेशन के लिए, और कई स्मॉल बिजनेस में भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हेल्प करती है। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल हैं और 1 हाई स्कूल है, ये भी अंडरलाइन करो, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है वहाँ पर। देयर इज़ ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरीज वेयर द सिक्स आर ट्रीटेड। वहाँ पर ये भी पूछ लेते हैं हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या है पालमपुर में। प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ पर जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहाँ पर बीमार लोगों का ट्रीटमेंट होता है। द डिस्क्रिप्शन अबव शोज दैट द पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन, स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर, कंप्यूटर, दीज फैसिलिटीज़ विद दोज इन यूर नियर बाय विलेज। कहते हैं वहाँ पर इस सब को ऊपर को हम पढ़ के हमें ये क्या डिस्क्राइब होता है, क्या डिस्क्रिप्शन है कि पालमपुर जो है एक वेल डेवलप्ड गांव है जहाँ पर कि रोड्स की, ट्रांसपोर्ट की, इलेक्ट्रिसिटी की, इरीगेशन की, स्कूल्स और हेल्थ फैसिलिटीज सब कुछ और कंप्यूटर, ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज। इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ अ मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, ये हमने पढ़ा, मैंने बोला 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपको। वहाँ पर सारी तरह की प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि एक इमेजिनरी विलेज है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटी रेफर्स टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज़, जो तो फार्म से रिलेटेड है वो तो फार्म एक्टिविटी होगी, जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं उनको हम बोल देते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़, इंक्लूडेड स्मॉल मैनुफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एक्स्ट्रा। कौन सी होगी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें स्मॉल मैनुफैक्चरिंग आ जाती है, ट्रांसपोर्ट आ जाती है, शॉपकीपिंग आ जाती है। वी शैल टेक ए लुक एट बोथ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आफ्टर लर्निंग ए फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन। सबसे पहले हम प्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, प्रोडक्शन क्या होती है। प्रोडक्शन को हिंदी में बोलते हैं उत्पादन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। द एम ऑफ द प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सब्सिडीज। वट डू यू मीन बाई प्रोडक्शन, या वट इज़ द मेन एम ऑफ प्रोडक्शन, क्या होता है गुड्स एंड सब्सिडीज को प्रोड्यूस करना, दैट वी वॉन्ट, जो कि हमें डेली लाइफ में चाहिए होती हैं। देर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सब्सिडीज। 4 रिक्वायरमेंट्स हैं गुड्स एंड सब्सिडीज को प्रोड्यूस करने के लिए। सबसे पहले द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, लैंड, और दूसरी जो है वो क्या है, वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज, दूसरी क्या है, लेबर, दैट इज़ पीपल हु विल डू द वर्क। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर्ड हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क, एंड अदर एक्टिविटीज रिक्वायर्ड वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल लेबर। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। कहते हैं सेकेंड जो रिक्वायरमेंट है वो लेबर है। लेबर की भी जो है वो 2 तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, एक तो एजुकेटेड वर्कर्स जो कि नेसेसरी टास्क सभी करते हैं, दूसरी होती है मैन लेबर जो मैनुअल काम करती है। तो लेबर भी 2 टाइप्स की होगी आपकी। एंड द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिजिकल कैपिटल, द वराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, वट आर द आइटम्स दैट कैन अंडर फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल के अंडर कौन कौन सी आइटम आ जाती हैं, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। टूल्स एंड मशीन्स ranges from very simple tools such as farmers plow, the sophisticated machines such as generator, turbines, computer. Tools, machines, buildings can be used in production over many years and are called fixed capital. जो बहुत लंबे समय तक यूज़ होती हैं, जिनके ऊपर हम एक बार पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, बहुत साल चलती हैं, उसको बोल देते हैं फिक्स्ड कैपिटल्स। एंड रॉ मटीरियल एंड मनी इन हैंड, प्रोडक्शन रिक्वायर्ड ए वराइटी ऑफ रॉ मटीरियल सच एज आर्न यूज बाय द वीवर्स एंड द क्ले यूज बाय द पोटर्स। आल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाय अदर नेसेसिटी आइटम। रॉ मटीरियल एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड अ वर्किंग कैपिटल। अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, दीज आर यूज अप इन प्रोडक्शन। तो ये कौन सी होगी, हमारी वर्किंग कैपिटल। ये क्वेश्चन आ जाता है बेटे, डिफरेंशिएट बिटवीन वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल जो एक बार पैसा इन्वेस्ट करके लंबे सालों तक चलती है, और वर्किंग कैपिटल होती है जो एज ए रॉ मटेरियल या मनी की तरह, जिसको हम यूज़ करते हैं, जो साथ के साथ यूज़ होती रहती है। देयर इज़ अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, फोर्थ रिक्वायरमेंट भी है, यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज
टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड. हमें जो है वो इसके बारे में नॉलेज, और एंटरप्राइज होते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्यमी जिसको हम बोल देते हैं. क्या करते हैं बेटे ये, एबल टू पुट टुगेदर, इनको इकट्ठा करते हैं किसको, लैंड लेबर एंड फिजिकल कैपिटल, एंड प्रोड्यूस एंड आउटपुट आइदर टू यूज़ यूर सेल्फ और टू सेल इन द मार्केट. और चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो खुद यूज़ करें चाहे उसको मार्केट में सेल करें. दिस इज दीज डेज इज कॉल्ड द ह्यूमन कैपिटल. इनको क्या बोलते हैं हम, ह्यूमन कैपिटल. वी शैल लर्न मोर अबाउट द ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर. इन दिस पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड लेबर एंड फिक्स कैपिटल. आपके सामने दिया हुआ है, इसमें से बताओ लैंड क्या है, लेबर क्या है और फिक्स कैपिटल क्या है. एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज बाई द कंबाइनिंग लैंड लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. कोई भी प्रोडक्शन होती है इन सबको मिलाकर ही होती है, विच आर नोन एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फॉर कन्वीनियंस वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल एज अ कैपिटल इन दिस चैप्टर. अभी हमारा इतना ही, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.